मध्य प्रदेश में चुनाव, किसका फिट बैठेगा दाव? क्या मोदी शिवराज का फिर चलेगा मैजिक, या अब की बार कांग्रेस साबित होगी असरदार? सियासी दलों के वादे, जनता के इरादे, आप देख रहे हैं जनता के मन की बात। हम तो बीजेपी के समर्थन करना चाहते भैया, हमारे मामा जी है नरेंद्र मोदी है। मैं इस साल पहली वोट दूंगा और मैं सोच रहा हूँ कि इस बार पहला वोट मैं बीजेपी को देना चाहता हूँ। के रूप में किसको देखना चाहते हो? पंडित रमेश दुबे को। मैं ये बोलता हूँ रमेश दुबे जी से राय सुमारी लेना था। हम तो भाजपा के साथ है पर हम रमेश दुबे के साथ सबसे पहले है। क्योंकि ऐसा यदि आप जातिवाद के आधार पर टिकट बांटेंगे तो उससे लोकतंत्र को खतरा है। हसी चैनल यहाँ पे आज पहुँचा हुआ है, ये है चोरई विधानसभा और तहसील चोरई के अंदर में हम यहाँ पे जनता की राय जानेंगे कि मतलब आप इस बार किसको विधायक के रूप में चुनना चाहते हो। जैसे कि आज हमारे पास भाई हैं, तो भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनिल कुमार वर्मा है। अनिल कुमार जी, आप ये बताइए मतलब आप इस विधानसभा में आप किसको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं? हम तो बीजेपी के समर्थन करना चाहते हैं भैया, हमारे मामा जी है नरेंद्र मोदी है, उसको समर्थन अच्छा, करना क्यों चाहिए? क्यों करना चाहते हैं? अरे उन्होंने बहुत कुछ करे, क्या करे उन्होंने कुछ? अरे हमारे लिए तो हमारी संडास बनवा दे, हमारी बेटी के लिए पढ़ाई की खर्चा उठाते हैं, सम्मान निधि दिए, अभी भी हमारी घरवाली पैसा देने लगे। और क्या मतलब आपकी बीबी को पैसा आने लगा? मतलब कितने रुपए आता है? 1200 जिसके अकाउंट में पैसे भी नहीं आ पाए हैं? नहीं वो आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप किसको समर्थन करना चाह रहे हैं? हम तो बीजेपी के समर्थन। मतलब आप वर्मा जी जो यहाँ पे लड़ रहे हैं जी चोरई विधानसभा के चुनाव में जो विधायक की सीट में है, तो आप उनको समर्थन कर रहे हैं? जी जी। और भैया आप? हम भी। क्या? बीजेपी को। बीजेपी आगामी चुनाव के लिए आप क्या बोलना चाह रहे हो? चुनाव के लिए हम तो चाहते हैं कि बीजेपी तैयार है आप वोट के लिए? हाँ वोट के लिए। आप किसको वोट दोगे? बीजेपी को। अच्छा बीजेपी को ही क्यों दोगे आप वोट? क्यों से कि हमारे लिए बहुत कुछ करा उन्होंने। बहुत कुछ में एक ऐसी बात है बताओ जो आपके लिए किया होगा? अभी हमारे यहाँ विशेष के मैं खाते में पैसा आ रहा है। अच्छा पैसा आ रहा है? बढ़िया। हाँ बराबर आ रहा है। मैं इस साल पहली वोट दूंगा और मैं सोच रहा हूँ कि इस बार पहला वोट मैं बीजेपी को देना चाहता हूँ। मुकाबला पहले पंडित रमेश दुबे जी का, इसके पहले चुनाव हुआ था और मासब के बीच में, तो जिसमें मासब जी विजयश्री हुए थे। इस बार चूंकि बीजेपी ने रमेश दुबे जी को टिकट नहीं दिया है, तो जो वो बाहरी प्रत्याशी है उसको हम प्रत्याशी, जैसे कि कौन है बाहरी प्रत्याशी? जो लखन वर्मा है। अच्छा। उन लोगों को हम जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं, कभी हमसे उनकी भेंट नहीं हुई है, तो हम तो सिर्फ मासब को वोट देंगे। अगर दुबे जी का ऐसा नहीं हुआ तो आप कांग्रेस को वोट दोगे? जी। मतलब आप से बात करेंगे कि मतलब यहाँ का क्या रुख है, जैसे कि भाई साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाई साहब आपका नाम क्या है? शशिकांत धनोरिया। क्या चल रहा है चोरई में अभी? चोरई में अभी जो है टिकट भाजपा द्वारा जो टिकट दी गई है उस वो इतना गलत निर्णय है शीर्ष नेतृत्व का, उसका हम विरोध करते हैं। क्या चाहते हैं? हम जी चाहते हैं कि पंडित रमेश दुबे को टिकट मिलना चाहिए। अच्छा किस बात को लेकर मतलब पंडित रमेश दुबे जी को मतलब पार्टी ने मतलब टिकट नहीं दिया? अब वो तो हमको नहीं मालूम किस कारण नहीं दिया, लेकिन अभी पिछले वर्ष कांग्रेस की विधायक थे। विधायक के रूप में किसको देखना चाहते हैं? पंडित रमेश दुबे को। तो जैसे कि पार्टी ने उन्होंने टिकट नहीं दिया है, तो फिर इसके लिए मतलब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमारी प्रतिक्रिया ये, हम चाह रहे हैं कि भाई अभी भी संशोधन कर सकती पार्टी, वो संशोधन करना चाहिए तो भाजपा को ज़्यादा लाभ होगा। जैसे कि ये मतलब चोरई विधानसभा का तहसील चोरई है, तो इनका कहने का मतलब ये है कि मतलब पंडित रमेश दुबे को टिकट दिया जाए, लेकिन ऐसा अब निर्णय जो होगा वही उचित होगा। जैसे कि और भी हमारे पास मतलब ये हमारे साथ भाई साहब जुड़ चुके हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि चोरई का क्या मामला है सर? देखिए भाई साहब, मेरा नाम संदीप सराठे है। मैंने जब से होश संभारा मुझे सिर्फ एक ही चीज़ पता थी कि भारतीय जनता पार्टी मतलब रमेश दुबे और रमेश दुबे मतलब भारतीय जनता पार्टी। वो यहाँ के पूर्व विधायक ना हो के पूर्व जिला अध्यक्ष भी है, और जिला अध्यक्ष के नाते मुझे लगता है कि उनकी राय सुमारी बहुत ज़रूरी होती है किसी भी क्षेत्र में टिकट देने के लिए, किसी भी विधानसभा के लिए। जिला अध्यक्ष, आप भी चाहते हो कि मतलब पंडित रमेश दुबे को टिकट मिलना चाहिए था? मैं ये बोलता हूँ रमेश दुबे जी से राय सुमारी लेना था, राय सुमारी लेना था कि किसे टिकट देना है किसे नहीं देना। वो भाजपा के प्रतीक है, उन्हें देखते हुए यहाँ पे प्रत्येक कार्यकर्ता अनुशासन उन्हीं से सीखा है, समर्पण उन्हीं से सीखा है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। बीजेपी की ओर से तो यहाँ पे मतलब ये मान के चलो कि प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे वर्मा जी और दूसरे सुजीत जी, तो मतलब इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए वर्मा जी जो है वो पूरा नगर जानता है कि जिला पंचायत में उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया, और पाँच वर्षों से
चौधरी जी यहाँ पे विधायक हैं, तो विकास की बात तो आप भूल ही जाइए। पर हाँ, जो विधायक न रहते हुए रमेश दुबे ने चौरी विधानसभा में जो विकास कार्य किए हैं उन्हें पूरी जनता जानती है। विकास माचागोरा की बात कर लो, चौरी में महाविद्यालय की, शासकीय महाविद्यालय की नींव रखने की बात कर लो, या अभी कुंडा फाटक रोड में अस्पताल, नवनिर्मित अस्पताल, उनकी ही देन है। अपना कन्याशाला का नाम समाज अवंतिकाबाई में अवंतिकाबाई नाम कराने में रमेश दुबे जी का बहुत बड़ा योगदान है। संपूर्ण क्षेत्र में रमेश दुबे क्या है, रमेश दुबे भारतीय जनता पार्टी के प्रतीक है, मोनो है, लोग उनसे समर्पण, उनसे लगन सीखते हैं। चुनाव में आपकी क्या क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, हम तो संगठन से यही चाहेंगे कि इस बारे में विचार विमर्श करें। रमेश दुबे जी, देखिए, उनके सम्मान को ठेस पहुंची है। जैसे ऐसा नहीं हो पाया तो फिर क्या करेंगे आप? प्रत्येक कार्यकर्ता रमेश दुबे के साथ है। मैं कपिल कुमार शर्मा चौरी से हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि जातिवाद को लेकर के यदि टिकट दी गई है तो जातिवाद देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। हमें यदि विकास के नज़रिए से यदि हम देखेंगे तो विकास में राष्ट्रवाद सर्वोपरि है, जातिवाद सर्वोपरि नहीं है। यदि आप यदि एक विधानसभा में 40,000 मतदाता एक वर्ग के यदि होते हैं और यदि उसको देख करके यदि आप टिकट देते हैं और पूरे ज़िले में, फिर जातिवाद के यदि आधार पर अपन देखेंगे तो ज़िले में ब्राह्मण 1.5 लाख वोट है, फिर यदि एक वर्ग को तुम खुश करते हो और यदि एक वर्ग को नाराज करते हो तो फिर ज़िले का ब्राह्मण वोट भाजपा से खसक जाएगा। क्या स्थिति बन रही है तो पूरे ज़िले में भाजपा कमज़ोर हो रही है। पूरे ज़िले में भाजपा कमज़ोर हो रही है। मतलब ये कहा जा सकता है कि मतलब यहाँ पे कांग्रेस का राज आ सकता है, सरकार बन सकती है कांग्रेस की, क्योंकि ऐसी स्थिति रही तो। हाँ, क्योंकि कि सिवनी ज़िले में ब्राह्मण वर्ग बहुत ज़्यादा है, वहाँ की 4-5 सीट प्रभावित हो रही है। छिंदवाड़ा ज़िला पूरा प्रभावित हो रहा है, उससे लगा हुआ होशंगाबाद भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि ऐसा यदि आप जातिवाद के आधार पर टिकट बांटेंगे तो उससे लोकतंत्र को खतरा है और इससे विकास नहीं होता जातिवाद से। क्योंकि डॉक्टर यदि समाज देता है तो डॉक्टर सबका इलाज करता है, वहाँ ये नहीं देखता कि ये लोधी है या ये है, डॉक्टर सबका इलाज करता है। उसी प्रकार यदि देश में यदि छोटी छोटी समाजें यदि रहेंगी और यदि उनको यदि दरकिनार कर दिया जाएगा कि नहीं तुमको टिकट, राजनीति करने का अधिकार नहीं है, जिसको जो ज़्यादा जात वाला रहेगा उसी को पद दिया टिकट दिया। अहम प्रतिक्रिया बताइए। यहाँ पे तो पूरा भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम बिल्कुल डाउन हो गया है, यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता। कांग्रेस ऐतिहासिक मतों से विजयश्री प्राप्त करने को देख रही है। हम इस सिंबल के साथ हैं, हम बीजेपी पार्टी के साथ हैं। प्रत्याशी जी कोई भी साथ हैं, कोई भी हो जी, एनी वे कोई भी हो जी, दुबे जी हो, लखन वर्मा, कोई भी हो, हम पार्टी के साथ हैं। लखन वर्मा जी को आप जानते हैं? हाँ जानते हैं, लखन वर्मा जी को भी जानते हैं, और आप उनके समर्थन में हो? मतलब वो बीजेपी समर्थन नहीं, ये नहीं बोला मैंने, समर्थन में सिंबल है ना, सिंबल हम एक बताए, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी ओनली, बीजेपी ओनली। चौरे की बहुत अच्छी स्थिति है और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा एक माहौल है, जैसे कि प्रदेश में भी शिवराज सिंह सरकार जी ने जो काम किया है वो मेरे ख्याल से अविस्मरणीय है, और जितने काम मध्य प्रदेश में आज तक की गवर्नमेंट में जो नहीं हो पाए वो अभी। विकास की बात करूँ तो विकास के लिए क्या? विकास के लिए तो भाई साहब ये कंडीशन है कि विकास की एक लिस्ट लेके घूमना पड़ता है, इतना विकास हुआ है, मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक ऐसी कोई चीज़ बकाया नहीं है जो शिवराज सरकार ने ना किया हो। ये गांव, गरीब, खेत, किसान, हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ साथ है। मैं अपनी पार्टी के साथ हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ और हमेशा रहूँ। पहुंची है तो भाई से हम बात करेंगे कि मतलब चौरई में एक्चुअली चल क्या रहा है भाई साहब? भैया चौरई में समय राजनीति से संकट बहुत खराब है, जो कि ऊपर का जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, उसने जातिवाद को आगे लाते हुए यहाँ पे एक जाति विशेष समुदाय को टिकट दिया है, लेकिन यहाँ पे चौरे में जातिवाद की कोई जगह नहीं है। यहाँ पे सभी धर्मों को साथ में लेकर चला जाता है, सभी जाति को साथ में लेकर चला जाता है, जो कि 45 साल से हमारे पंडित रमेश दुबे जी यही करते आए हैं। हमारे जो पंडित रमेश दुबे जी हैं उन्होंने आज तक किसी भी जाति को विशेष ध्यान नहीं दिया, उन्हें सभी जाति को साथ में लेकर चला है। और ऊपर का जो नेतृत्व है प्रहलाद पटेल उमा भारती, इन्होंने जाति को देखते हुए एक ऐसे भ्रष्ट प्रत्याशी को टिकट दिया है जिसने अभी पिछली जिला पंचायत। आप जानते हो प्रत्याशी को? मैं जानता नहीं हूँ, सिर्फ नाम जानता हूँ उसका, मैंने तो उसको अभी तक देखा भी नहीं हूँ।
उसने अभी जिला पंचायत में कुछ पैसे लेके क्रॉस वोटिंग किया था। अब ये बताइए, यदि वो विधानसभा का चुनाव जीतता है तो वो तो रातों रात वैसे मुख्यमंत्री, बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो। हाँ, बीजेपी के प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो, तो यहाँ से चुनाव जीते तो वो तो रातों रात बिक जाएंगे करोड़ दो करोड़ में, फिर जनता क्या करेगी यहाँ का। तो यहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है और यहाँ पे भाजपा की स्थिति बहुत ख़राब है, कांग्रेस निकलने की स्थिति में, और सातों विधानसभा में कांग्रेस निकलेगी। भारतीय जनता पार्टी की इस बार कहीं से कोई जगह नहीं है। मतलब कांग्रेस प्रत्याशी सुजीत महासाब जो यहाँ के महासाब हैं जी, मतलब उनकी, मतलब ये मान के चलो कि भाई का कहने का मतलब है कि वो विजय प्राप्त कर पाएंगे, बिल्कुल करेंगे, इस तरीके की स्थिति रहेगी तो जी, क्योंकि क्या है देखो, वो साफ स्वच्छ छवि वाले आदमी हैं और हमारे जो नेता हैं पंडित रमेश दुबे जी, इनकी तो बात ही मत करो, इस बार वो एक तरफा निकलते, लेकिन इन्होंने सीट में पूरा गोलमाल कर दिया है, जहाँ तक भाजपा की कहीं से कहीं तक कोई जगह नहीं है विधानसभा में। जैसे कि चोरी विधानसभा के अलग अलग गांव में आज हमारा भ्रमण था, हमने लोगों से मिला, जाना, समझा, और सभी के अपने अपने विचार अलग अलग स्तर में देखा गया, लेकिन किसकी है कुर्सी और कौन है विधायक और किसकी है शासन, ये तो मतगणना के बाद ही पता चल पाएगा। साहिल मृदुभाषी से कैमरामैन इंद्रजीत विश्वकर्मा की खासियत।